सर, आजकल अस्पतालों में देखने मिलता है कि कमर दर्द के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें कम उम्र के लोग ज्यादा हैं। इसमें आपका क्या विचार है? मैं डॉक्टर रविंद्र हरणे हूँ। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में अपना पेन का क्लिनिक चलाता हूँ और ये क्लिनिक मेरा पिछले 13-14 साल से चल रहा है। आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आजकल यंगस्टर्स में या जवान लोगों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ती जा रही है, जीवन की आपदा भी बहुत ज्यादा है। चाहे वो एडवोकेट्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या किसी और जगह काम करने वाले लोग हों, ज्यादातर लोग लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठते हैं और उनकी जीवन में व्यायाम बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आजकल ये भी देखने में आया है कि हस्बैंड वाइफ ये दोनों ही काम करते हैं, इसीलिए ज्यादातर समय लोग घर के बाहर खाना पसंद करते हैं। पहले के समय में ये होता था कि लोग खेत में जाते थे, भरपूर पैदल चलते थे, घर के बाहर कभी खाना नहीं खाते थे। इन सब कारणों से लोगों का वजन बढ़ रहा है और एक वजन बहुत बड़ा कारण है कमर में दर्द आने का। सर, कमर दर्द के कारण क्या है? देखिए, अगर मैं उसको ब्रॉडली चार में डिवाइड करूं तो कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी कुछ स्पाइन में डिफेक्ट होते हैं, मेरुदंड में कुछ विकार होते हैं जो व्यक्ति बड़े होने के बाद दर्द का कारण बनता है, उसको मैं कहूंगा कंजेनाइटल। दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी, यानी अगर कमर के जोड़ों में सूजन आए तो बाकी जो दीगर अपने जोड़ हैं उनकी सूजन के साथ में जैसे दर्द होता है, ऐसे ही कमर के दर्द के जोड़ में सूजन आए तो इसमें दर्द होता है। जैसे कि हमें देखने मिलता है कि कई तरह के आर्थराइटिस हैं, वो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनमें भी कमर का दर्द बहुत पाया जाता है। तीसरी बात होती है मैकेनिकल, जैसे किसी को कुछ चोट लग जाए, झटका लग जाए, लंबी यात्रा कर ले, आड़ी तिरछी पोजिशन में सो जाए, इस सब कारणों से भी कमर के दर्द होते हैं। और लास्टली मैं कहूंगा कि कैंसर या किसी तरह के ट्यूमर्स, जैसे मैं उसको अगर ये कहूं कि मेरुदंड की हड्डी से लेके और चमड़ी के बीच में जितने भी अपने अवयव हैं, मांसपेशियां हैं, नसें हैं, हर चीज दर्द का कारण हो सकती है। तो ये सारे दर्द के कारण हैं। सर, कमर दर्द का इलाज क्या है सर? देखिए, जैसा आपने बोला कि इलाज क्या, तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम मेरुदंड में देखें तो सिर्फ ये हड्डी का ढांचा नहीं है, मेरुदंड के जोड़ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एक वर्टिब्री है, गुरिया अपन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके बीच के जोड़ हैं जिसको हम डॉक्टरी भाषा में डिस्क कहते हैं। अब आप बाजू में अगर देखेंगे तो छोटे छोटे छेद हैं जिनसे ये नसें बाहर निकल रही हैं, ये स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। जोड़ों जितने भी जोड़ हैं, लगभग 32 जोड़ अपने मेरुदंड में होते हैं, ये बिल्कुल मक्खन जैसे होते हैं। तो कोई भी इसमें जोर पड़े, चोट लगे, तो ये जोड़ खिसक सकते हैं, जैसे कि इस मॉडल में दिखाया गया है। और ये जो नसें हैं, कमर की नसों की सप्लाई अपना पैर होता है, वो गर्दन से हाथ की नर्व की सप्लाई होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि लंबर 1 और 2 के बीच की नस में अगर सूजन है या ये जोड़ इसको दबा रहा है, जैसे यहां दिखाया गया है, तो उसको जोड़ हर्निया वाली जगह पेट के निचले हिस्से में दर्द आएगा। 2-3 इस लेवल की अगर डिस्क प्रोलैप्स है या इस नस पे जोर आने वाला है तो उसकी जांघ में दर्द होता है। 4-5 का जोड़ जो है, 4-5 उसके बीच का अगर डिस्क प्रोलैप्स है या नस में दबाव है तो उसका पिंडली में दर्द आता है। और सबसे आखिरी जोड़ जो इसमें दिखाया गया है, L5S1, अगर यहां का डिस्क प्रोलैप्स है या नस में सूजन है तो उसका फुट में या पंजे में दर्द आता है। दूसरा, मैं अभी जोड़ों की बात कर रहा था, आप देखेंगे ध्यान से, ये फैसेट जॉइंट्स हैं जो दोनों गुरिया को आपस में जोड़ते हैं, छोटे छोटे जोड़, ये छोटे छोटे जोड़ फैसेट जॉइंट्स कहलाते हैं। तो लगभग अगर 100 लोगों को दर्द है तो 40% लोगों में इन फैसेट जॉइंट्स का दर्द होता है, जो न एक्सरे में आता है न एमआरआई में आता है।
तो पेशेंट जो है वो कंफ्यूज घूमता रहता है कि पता नहीं मेरे को क्या बीमारी है। तीसरी बात, सैक्रोइलिक जॉइंट्स, ये बड़े बड़े जोड़ हैं जो हमारी मेखला को मेरुदंड से जोड़ते हैं, तो इन जोड़ों का दर्द भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कमर दर्द का। तो अगर जिस लेवल पे दर्द है, जैसे कि समझ लीजिए किसी को आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस का इलाज में हम दवाइयां देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां इनको बोलते हैं। मांसपेशी में चोट है या मांसपेशी में खिंचाव है तो हम मसल रिलैक्सेंट उसको दवाई देंगे। अगर नस दब रही है उसके कारण उसको बिजली के करंट जैसा दर्द आ रहा है, उसको हम न्यूरोपैथिक मेडिसिन देंगे और साथ में एनाल्जेसिक देंगे। और इसका कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के साथ में। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को दवाइयां और फिजियोथेरेपी से आराम हो जाता है, इसका प्रतिशत लगभग 60-65% है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कि ये सब करने के बाद भी आराम नहीं होता है। उसमें यह समझना आवश्यक होता है कि भाई इसमें आखिर दर्द किस जगह से आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फैसेट जॉइंट्स, नर्व रूट, डिस्क या गुरिया, वर्टिब्रा। तो अगर हम इसको ये समझें कि ये हमें पता करना है कि कहां से दर्द आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक इंजेक्शन लगाते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पेशेंट को लिटा देंगे। अगर हमें उम्मीद है कि ये फैसेट जॉइंट से दर्द आ रहा है तो हम इसको फैसेट जॉइंट में इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे ही सुन करने की दवाई जॉइंट में जाती है, पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक हो गया कि भाई इसको फैसेट जॉइंट से दर्द आ रहा है। दूसरा, अगर मैंने रूट में इंजेक्शन लगाया और उसको उसका तुरंत दर्द चला गया, पैर का जो दर्द जा रहा है, तो इसका मतलब ये रूट इरिटेट हो रही है किसी वजह से, उस इरिटेशन का दर्द है और हमें उसका आगे उस हिसाब से इलाज करना है। अगर ये डिस्क के कारण है, डिस्क प्रोलैप्स के कारण मैंने इंट्रा डिस्कल इंजेक्शन लगाया और उसका दर्द चला गया, तो इसका मतलब ये डिस्क से दर्द आ रहा है। सिमिलरली सैक्रोइलिक जॉइंट में मैंने इंजेक्शन लगाया और उसको आराम हो गया, तो ये जॉइंट का दर्द है। तो इस तरह से हम ये डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगा के, डायग्नोस्टिक इंजेक्शन लगा के पहले पता कर सकते हैं कि इसको आखिर बीमारी क्या है, उस हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था अभी, अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये जोड़ है जिसको हम डिस्क कहते हैं। डिस्क के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस, बीच का पल्प जैसा हिस्सा जिसमें लिक्विड होता है, और एनुलस फाइब्रोसिस। ये एनुलस है, इसका कोई पर्यायवाची हिंदी शब्द नहीं है। अगर इसमें टेयर हो जाता है तो न्यूक्लियस पल्पोसस से जो केमिकल्स हैं बाहर रिलीज होते हैं और वो जस्ट जो बाजू की नसें हैं इन पर जाते हैं और नर्व का इरिटेशन या नर्व का दर्द फिर शुरू हो जाता है। अगर ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल गया, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, तो ये ऐसा बाहर आने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या नर्व रूट के ऊपर सीधा बैठ जाता है और ऐसे पेशेंट को लगातार फिर दर्द बना रहता है। इसमें इंट्राडिस्कल इंजेक्शंस या ऑपरेशन, यही इसका इलाज है। सर, साइटिका की बीमारी क्या होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। साइटिका का मतलब होता है कि कमर का दर्द पैर में जाए। तो जैसे मैंने बताया, चाहे वो इन्फ्लेमेशन से जाए, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर से जाए, या कोई अंदर कैंसर है उससे जाए, या कोई मांसपेशी खींचने से नर्व के ऊपर दबाव आए उसके कारण पैर में दर्द जाए, ये सारे कारणों से अगर जब भी पैर में दर्द जाता है उसको हम साइटिका कहते हैं। और साइटिका में मैंने जैसे बताया कि ज्यादातर लोगों में जो डिस्क प्रोलैप्स है, जो मैंने आपको फिल्म दिखाया, इसी बीमारी के कारण ज्यादातर लोगों को साइटिका होता है। सर, क्या सभी मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है कि स्पाइन का ऑपरेशन कर देंगे तो हम पैरालाइज हो जाएंगे, स्पाइन में इंजेक्शन लगा देंगे तो हमारी एक नस सुन्न हो जाएगी हमेशा के लिए, हम चल नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनको पैरालिसिस हुआ, या तो उनको स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर है, कोई कैंसर है,
या जो वर्टिबल कॉलम टूट गया है, जैसा इसमें देख रहे हैं आप, ये हड्डी टूट गई, तो इसका ऑपरेशन कैसा होगा कि हम हड्डी को निकाल देंगे, उसकी जगह दूसरा ग्राफ्ट लगाएंगे और इसको पूरी तरह, अब जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड दब गया है, उसकी खून की चाल खत्म हो गई है, उस पेशेंट को पैरालाइज होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो आपका सवाल है कि हर व्यक्ति को स्पाइन के ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं लगभग 90% लोग जो मैंने आपको बताया दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से और इंजेक्शन के ट्रीटमेंट जिसको कि हम टारगेटेड ब्लॉक या इंट्राडिस्कल इंजेक्शन कहते हैं, इन्हीं मॉडलिटीज से पेशेंट को आराम हो जाता है, 90% लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन डिस्क प्रोलैप्स के लिए, तो आजकल हम लोग एंडोस्कोप से ऑपरेशन करते हैं जिसमें चीरा भी नहीं लगता है, छोटा सा कैनुला होता है जो अंदर जाता है, जो डिस्क बाहर निकली हुई उसको बाहर निकाल के हम बाहर आ जाते हैं, 1-1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है, कोई टाका नहीं लगता है और पेशेंट 2 दिन में अपना घर चला जाता है और 7-8 दिन घर काम पर वापस भी आ जाता है। तो इसमें ऑपरेशन की अगर आवश्यकता भी है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, स्पाइन के ऑपरेशन आजकल बहुत सेफ है और बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।